तब सुशीला जी ने विचार करा कि मेरे पति सुदामा आखिर द्वारका तक क्यों नहीं जा रहे, द्वारका तक क्यों नहीं पहुंच रहे। तब उनको अंदाजा लगा कि कुछ ना कुछ बात जरूर है, रोज प्लानिंग होती है, रोज जाने का सोचते हैं, रोज सोचते हैं पर जा नहीं पाते। तब पड़ोसन के यहाँ गई और अपना पल्लू फैलाकर सुशीला ने कहा कि काकी मेरा पति द्वारका जा रहा है, मेरे पल्लू में कुछ दे दो। और सुशीला के पल्लू में उस पड़ोसन ने दो चार मुट्ठी जो भी उसके पास में चावल था, तंदूल था, अनाज था, उन्होंने पल्लू में डाल दिया। पल्लू में अनाज आया और लेकर सुशीला ने सुदामा जी को दिया और सुदामा जी फिर द्वारका पहुंचे। अर्थात यह हमारा शास्त्र, ये शिव महापुराण की कथा कहती है, यह भागवत कहती है कि अभी तक सुदामा जी के पल्ले में पुण्य प्रबल नहीं था, इसलिए सुदामा जी उस पुण्य के कारणवश वहां तक नहीं पहुंच पा रहे थे। अब सुशीला ने पुण्य दे दिया तो वो पुण्य के कारण द्वारकाधीश के सामने। आपके पल्लू में भी जब तक पुण्य नहीं आएगा, जैसे सुशीला के पल्लू में पुण्य आया और सुशीला ने अपना पुण्य, अपने पल्लू का पुण्य सुदामा जी को दिया और सुदामा जी द्वारका गए और उन्हें द्वारकाधीश का दर्शन हुआ, फिर द्वारकाधीश ने राजसी ठाट सुदामा जी को दे दिया। बस यही शिव पुराण कहती है कि हमारा जब पुण्य हमारे पास आ जाता है, हमारा पुण्य जब प्रबल हो जाता है, हमारी झोली भी, हमारा पल्लू भी, हमारी जेब भी, हमारी गठरी भी जब पुण्य से भर जाती है, तब जाकर अपने गांव में, अपने नगर में, अपने परिवार में, अपने बहेड़िया परिवार में एक शिव महापुराण की कथा हो पाती है। यह पुण्य प्रबल होता है तब। जब तक पुण्य की प्रबलता नहीं होती तब तक वो परमात्मा के द्वार नहीं जा सकता। और जब पुण्य प्रबल होता चले जाता है तब उसके आनंद का सुख अपने आप बढ़ता चले जाता है, फिर उसको भटकना नहीं पड़ता। महाराज मनुष्य का जीवन तीन घरों में निकल जाता है। यह मानव का जो शरीर है, जन्म से लेकर मृत्यु तक के बीच में तीन घरों में इस मनुष्य का जीवन निकलता है। पहला जन्म लेता है तो पिता के घर में रहता है, बड़ा होता है खुद कमाता है तो खुद के घर में रहता है, और जब बुढ़ापा आता है तो बेटों के घर में रहता है। तीन घरों में ये मनुष्य का जीवन निकल जाता है, ये मानव का शरीर तीन घरों में निकल जाता है। पहला पिता के घर में ये जीवन निकल गया, दूसरा खुद के घर में जीवन निकल गया, और तीसरा पुत्र के घर में जीवन निकल गया। हाँ, यदि कोई पुण्य हमारा होगा, यदि हमने अपने बच्चों को अच्छा संस्कार दिया होगा, अच्छे संस्कार हमने बच्चों को दिए होंगे, तो पुत्र के घर में बुढ़ापा निकल जाएगा, और नहीं अच्छे संस्कार दिए होंगे तो वृद्धाश्रम में बुढ़ापा निकल जाएगा। ये संस्कारों पर हमारा बल होना चाहिए। बच्चों को कार मत दिलाओ, संस्कार दिलाओ। कार दिलाओगे तो बच्चे बेचकर खा जाएंगे, और संस्कार दिला दिए तो बच्चे कारों की लाइन लगा देंगे। संस्कार होंगे तो कार भी शोभा देगी, नहीं तो कार भी शोभा नहीं देगी। साहब कोई के यहाँ बहुत सारी कार है, उसके छोरा हों दिन भर पीने में लगे रहते हैं, मदिरा में लगे रहते हैं, दिन भर गांजा फूकें, दिन भर भांग खाएं, या दिन भर मदिरा का पान करें, या दिन भर जुआ खेलें, तो कोई सम्मान नहीं उनका संसार। हमें संस्कारित संतान होना चाहिए, संस्कारवान हो। तुम घड़ी हाथ में बांध सकते हो, 5-5 हजार की, 10-10 हजार की, 50-50 हजार की, 1-1 लाख की घड़ी कीमत वाली तुम अपने हाथ में बांध सकते हो, और घड़ी हाथ में बांध कर घूम सकते हो, घड़ी बार बार देख भी सकते हो, लाखों की घड़ी तुम हाथ में पहन सकते हो। घड़ी तुम्हारे हाथ में हो सकती है पर समय तुम्हारे हाथ में नहीं होगा, समय तो मेरे भोलेनाथ के हाथ में होगा। करोड़ों की घड़ी तुम्हारे हाथ में होगी, हीरे की पहन लो, चाहे सोने की पहन लो, चाहे चांदी की पहन लो, चाहे जिसकी मर्जी पड़े उसकी पहन लो, घड़ी पहन सकते हो पर समय तुम नहीं ला सकते। समय तो भोलेनाथ ही बनाता है।
बचपन कैसा निकालना है मेरे शंभू को मालूम है, जवानी कैसे निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है, अधेड़ी कैसी निकालना है ये मेरे शंभू को मालूम है। आपका अवस्था, आपका समय, आपकी घड़ी, आप घड़ी मान सकते हो पर समय आप नहीं मान सकते, समय उसने बनाया है वो, उसको इसलिए महाकाल कहते हैं, कालाधिपति कहते हैं, उसको महाकाल राजा कहते हैं, उसने बनाकर रखा। और फिर निवेदन करूंगा जो पहले की कथाओं में कहा, आज फिर कह रहे हैं आपसे, फिर निवेदन कर रहे हैं, फिर विनती कर रहे हैं आपसे, घड़ी खराब हो जाए तो कपड़े वाले की दुकान पर मत ले जाना, पहले भी कहा, घड़ी खराब हो जाए किराने की दुकान पर मत ले जाना, घड़ी खराब हो जाए तो बर्तन वाले की दुकान पर मत ले जाना, घड़ी खराब हो जाए तो घड़ी वाले की दुकान पर जाना, घड़ी सुधारेगा तो घड़ी वाला सुधारेगा और कह देगा तुमसे ये घड़ी को सुधारने में मुझे 7 दिन लगेंगे, यहाँ पटक दो, तुम जाओ 7 दिन बाद आना, घड़ी लेकर चले जाना। तो तुम कहोगे इसमें सेल बदल के देख लो ना चल जाए तो, उसने कहा मैंने सब बदल के देख लिया पर ये थोड़ी गड़बड़ है, कहीं अटक रही है इसलिए ये आगे नहीं बढ़ रही है, इसकी अंदर से प्रॉब्लम है, वो अंदर की प्रॉब्लम मैं देख लूंगा तब मैं इसको सुधार दूंगा, 7 दिन तुम मेरे यहाँ पटक दो। उसने फिर तुम्हारे सामने घड़ी खोली, उसकी मशीन निकाली, उसको घासलेट में या पेट्रोल में या एसिड में डाल दी, अब उसको 7 दिन तक उस एसिड में पटक के रखा, उस पेट्रोल में पटक के रखा, रोज पेट्रोल में से निकालता, मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता, फिर मलता, फिर पेट्रोल में डाल देता, 7 दिन तक उसने पेट्रोल में डुबा के रखी उस मशीन को। तुमने कहा देखना भैया खराब मत कर देना, अरे तुम चिंता मत करो पूरी चालू करके दूंगा, और उसने पेट्रोल में डुबा के रखी, 7 दिन बाद जब तुम आए तो तुम्हें घड़ी अच्छी की अच्छी दे दी। उसी तरह ये घड़ी को बर्तन वाले कीड़े वाले क्या लेकर मत जाओ, ये समय, ये घड़ी, ये पल, ये नक्षत्र, ये समय, ये काल, सब कुछ मेरे महाकाल ने बनाया है, मेरे भोलेनाथ जी ने बनाया है। जब समय अच्छा ना चले, तुम्हारा दुख की घड़ी चल रही हो, तकलीफ की घड़ी चल रही हो, तब इस शरीर को लेकर, इस घड़ी को लेकर कहीं मत जाना, मेरे महादेव की कथा में आकर बैठ जाना, मेरे शिव के द्वार चले जाना, शंकर की चौखट पर चले जाना। शंकर क्या करेंगे, शंकर जी कहेंगे 7 दिन लगेगा घड़ी सुधारने में, तो शिव पुराण भी 7 दिन की है, तो उस घड़ी वाले ने क्या करा था, पेट्रोल में डुबा के रखा था, तो महाराज क्या करेगा, तुमको भी शिव पुराण में 7 दिन तक डुबो के रखेगा, और बीच बीच में जो जो भजन आएगा तो भजन में समझ जाना कि महाराज ब्रश से रगड़ लिया, और रगड़ेगा तो घड़ी के लिए 7 दिन में चालू हो जाएगी, ये निश्चित है। और जब चालू हुई तब तुम बढ़िया फिर कहोगे भगवान जाने मेरा तो भगवान ने हाथ पकड़ लिया, इतनी दुखी थी, इतनी तकलीफ में थी, पर जब से मैंने शिव महापुराण की कथा सुनी तब से मेरे बाबा ने मेरे ऊपर कृपा करना चालू कर दी। कुछ कृपा भगवान ने ये करी है वो तुम्हारे कर्म के अनुसार करी है, कर्म तुमने करा था, इस घड़ी को सही जगह लेकर चले गए, कपड़े की दुकान पे दे देते, फिर कपड़े वाला उसको बर्तन वाले के यहाँ भेजता, बर्तन वाला उसको वहां भेजता, बाद में वो घड़ी फिर घड़ी वाले के यहाँ जाती तो दुख तुमको होता कि 15 दिन 20 दिन लगा दिए, 1 महीना लगा दिया, बहुत मिलेंगे तुमको। राजा परीक्षित ने जब प्राण त्यागे तो 7 दिन मिले थे, और राजा परीक्षित भी जान गए थे कि किसके पास घड़ी लेकर जाना है। राजा परीक्षित 351 ऋषि राजा परीक्षित को मिले थे, कोई ना काम यज्ञ करवाएंगे घड़ी सुधर जाएगी, कोई ना काम तुमसे हवन करवाएंगे ऐसा करवाएंगे, कोई ना काम तुमसे अनुष्ठान करवाएंगे, कोई ना काम तुम्हारे लिए यह पाठ कर देंगे, कोई ना काम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई ना काम तुम्हारे लिए कर देंगे। 350 ऋषि सुखदेव जी महाराज बाद में मिले, पर राजा परीक्षित को 350 ऋषि मिले, उन्होंने कहा हम तुम्हारे लिए ये करेंगे वो करेंगे, पर राजा परीक्षित ने कहा 7 दिन मिले और घड़ी सुधारना जरूरी है नहीं तो अंत बिगड़ जाएगा, तो उसने इनका कहना ही नहीं माना, कोई ना काम तुम्हारे लिए ये कर देंगे, कोई ना काम ये सी विद्या कर देंगे, कोई ना काम सी विद्या कर देंगे। राजा परीक्षित ढोंग ढकोसले में नहीं पड़ा, और आपसे भी निवेदन है, दुनिया में बहुत ढोंग चल रहा है, बहुत प्रपंच चल रहा है, बहुत ढकोसला चल रहा है, किसी के भ्रम में मत पड़ना, अपनी घड़ी को लेकर, इस शरीर को लेकर बस महादेव के मंदिर जाना चालू कर देना, अपने आप सुधर जाएगी। शिव के मंदिर जाइए, परमात्मा के द्वार जाइए, भगवान की चौखट पर जाइए, किसी ढोंग ढकोसले में मत पड़ जाना। बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सिवा कोई नहीं। परीक्षित को लगा कि मुझे सुधारेगा कौन, इस घड़ी को पल को कौन सवार सकता है, तो 350 ऋषियों को छोड़ने के बाद राजा परीक्षित फिर सुखदेव जी के पास गए। सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि मैं तुझसे हवन करवाऊंगा, सुखदेव जी ने यह नहीं कहा मैं तुझसे यज्ञ करवाऊंगा, सुखदेव जी ने यह नहीं कहा कि मैं तुझसे अनुष्ठान करवाऊंगा, सुखदेव जी ने एक ही बात कही, मैं भगवान की कथा करूंगा और
तू उसको सुनते जाना, सुनते सुनते तेरा विश्वास जाग जाएगा और ये आत्मा परमात्मा से मिल जाएगी। फिर अगर सांप भी टसेगा तो तुझे भय नहीं होगा। बस परीक्षित जान गया असली घड़ी सुधारने वाला मिल गया और उसने भगवान से मिला दिया, 7 दिन में परमात्मा से मिला दिया उस सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को। घड़ी सुधारने वाला मिलना चाहिए सही। अगर सही ऐसी सुधारने वाला नहीं मिले, घड़ी सुधारने वाला नहीं मिले तो दिक्कत आ जाती है। अभी हमारे सीहोर में गर्मी के टाइम पर एक कूलर बिगड़ गया था। अब गौशाला का कूलर, अब गौ माता को बड़ी तकलीफ हो। अब वो कूलर को सुधारने वाले को बुलाया तो वो सुधारने वाला भी हमको क्या मालूम था कि नया नया था, ना जाने कौन सा कनेक्शन कर गया। कूलर तो चालू हो गया पर उसको कुछ छू नहीं सकता, पूरा करंट कूलर में था, पूरा करंट कूलर में आ रहा था। अब हमने उस कूलर वाले को फोन लगाया, हमने कहा, बोल रहे आशीष उसको फोन लगा के बोल कि इसमें तो करंट आ रहा है। तो आशीष ने फोन लगाया कूलर वाले को, क्यों रे इसमें करंट आ रहा है। तो कूलर वाला बोला करंट से तो चलता है। तो आशीष हमसे बोला गुरुजी वो बोल रहा करंट से चलता। हमने कहा उसको बोल करंट से कूलर चलता, पर कूलर में करंट तो नहीं आना चाहिए ना। बोलो रे सही बात है कि गलत बात है। कूलर को चलाने के लिए करंट की जरूरत होती है, इसलिए करंट से कूलर चले, पर कूलर में करंट नहीं आए। और यही बात हम कई बार आप लोगों से कहते हैं कि धन कमाओ, धन के अंदर रहो, करंट लो, पर इससे परिवार चले, मना नहीं है। पर वो करंट तुम्हारे अंदर आत्मा में नहीं जाना चाहिए, मन में वो करंट नहीं जाना चाहिए। नहीं तो ये कह देगा मन कि मेरे में ये करंट, मेरे पास इतना वैभव है, मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी दौलत है, मेरे पास इतनी सत्ता है, ये करंट है जो कूलर में आ गया, ये हमको बर्बाद कर दे। आए करंट मना नहीं, पर वो कूलर को चालू करने के काम आए तो चल जाएगा, पर वो कूलर में आएगा तो ठीक नहीं। फिर आशीष ने कहा कि भैया वो करंट आ रहा है, तो उसने कहा ठीक है मैं आके देखूंगा। और फिर आया वो, उसने कहा साहब इसमें कट लगा हुआ है और कट लगा है इसलिए वो पानी के कारण करंट आ रहा। फिर उसने एक टेप लिया, उस टेप को सर लगाया, तब कूलर में करंट आना बंद करा। आपका भी बार बार करंट गड़बड़ हो जाता है। तुम बैठते कथा में ही हो, घर से भी चले थे कथा के लिए, बैठे भी थे, पर कभी कभी तुम्हारा वायर कट जाता है। इधर वाली ने कुछ कहा तुरंत करंट हुआ था, एकदम क्लियर चल रहा था, पर कहीं वायर कटा, इसने कुछ किया, करंट गया, बॉडी में गया। फिर क्या करा, फिर उसने फिर जैसे ही कथा सुनने में मन लगाया फिर वापिस टेप लगा, फिर टेप वापिस, फिर कोई। ये जीवन ऐसे ही परमात्मा के भरोसे पर छोड़ दो इस मानव शरीर को, इस मनुष्य की देह को जब परमात्मा के भरोसे पर छोड़ोगे तो जीवन का सुख प्राप्त होगा। एक भिखारी को देखना, वैसे तो मुझे यहां पर गुजरात में थोड़े से कमी भिखारी दिखे हैं, किसी चौराहे पे लालबत्ती पे गाड़ी जहां पर चौराहा आता है वहां पर भी गाड़ी रुकी, ऐसा कोई कांच माच बजाने वाला नहीं मिला। एक आध जगह कहीं मिला था तो वो एक आध जगह कहीं का बजा रहा था, पर इतना इतना भिखारी नहीं दिखा हमको। एक आप और एक भिखारी, दोनों में समझना, भिखारी 10 जगह से मांग कर लाता है, 10 दरवाजे से ठोकर खाकर लाता है, 10 दरवाजे से मांग कर लाता है, उसके बाद भी 10 जगह का खाना खाकर भी एंजॉय फुल जिंदगी जीता है, खुश की जिंदगी जीता है, आनंद की जिंदगी जीता है। और एक कमाने वाला व्यक्ति दिन भर दुकान पर काम कर रहा है, भरा भराया टिफिन रखा है तो भी रोटी खाने की फुर्सत नहीं है। अब समझ में नहीं आता उसको भिखारी कहें कि इसको भिखारी कहें।
वो 10 जगह से मांग कर लाया है, उसके बाद भी अपने शरीर का ध्यान रख रहा है कि मुझे खाना है, भरपेट खाना है। और ये दुकान में इतना मस्त है कमाने में कि पत्नी फोन लगा रही है, 1 बज रही है, आ जाओ भोजन कर लो, मैं तुम्हारे लिए टिफिन भेज देती हूँ, अगर टिफिन नहीं खाना है तो नाश्ता तो पेट भर के खा लो। उसको मालूम है पत्नी को अगर टाइम पर भोजन नहीं करेगा तो शुगर बढ़ जाएगी, शुगर डाउन हो जाएगी। ये शुगर की बीमारी होती क्यों है? आपके भूखे रहने से। समय पर भोजन नहीं करते तो बीपी शुगर तो होगा ही। आप समय पर भोजन करना प्रारंभ कर दो, बीपी दोनों लेवल पर रहना चालू कर देंगे। डॉक्टर भी कहता है क्यों भूखे रहते हो, क्या कितनी बजे भोजन करते हो, खाना टाइम पे नहीं खाते हो, इसलिए तुम्हारी ये बीमारी बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर बढ़ती जा रही है, इसलिए तुम्हारी शुगर लो होती जा रही है, इसलिए तुम्हारे यहाँ बीपी गड़बड़ कर रहा है। कारण क्या है? वो डॉक्टर बोलेगा कि टाइम पर तो भोजन करो रे, कमाओ, टिफिन तुम्हारे होटल में रखा है, टिफिन तुम्हारी दुकान पर रखा है, टिफिन तुम्हारे घर पर रखा है, तुम कम से कम समय पर तो खाओ। भिखारी भी 10 जगह से मांग कर पेट भरता है और एंजॉय की जिंदगी जीता है, और एक हम कमाने में इतने आतुर रहते हैं कि समय पर रोटी तक नहीं खा पाते हैं, खाने बैठे उतनी देर में फिर ग्राहक आ गया, रोटी का डब्बा छोड़ा, फिर कमाने चल दिए। कमाओ, जी और जान से कमाओ, जितनी तुम्हारी कैपेसिटी उससे 4 गुना ज्यादा कमाओ। कमाने की मना नहीं करेंगे, पर उसके साथ में ये भगवान ने जो शरीर दिया है इसका भी तो ध्यान रखो कि परमात्मा ने ये शरीर सही रहेगा तो ही तो आगे कमा पाओगे। हम कभी ये नहीं कहते कि तुम कथा में जाकर बैठ जाओ, कि तुम कहीं संत बन जाओ, कि साधु बन जाओ, कि सन्यासी बन जाओ, कि तपस्वी बन जाओ, कि तुम कहीं महात्मा बन के बैठ जाओ। और हम बोल भी देंगे तो तुम कितना महात्मा बन रहे हो रे, तो फालतू की बात हम करें क्या, कि तुम साधु बन जाओ, ने सन्यासी बन जाओ, ने जोगी बन जाओ, ने तपस्वी बन जाओ, कुछ मत बनो, तुम तो जैसे हो वही बने रहो। पर निवेदन है कि शरीर का सदुपयोग करो जो भगवान ने दिया अनमोल। 83,99,999 योनियां काटने के बाद यह मनुष्य की देह मिली है 84,00,000वें नंबर की, और 84,00,000वें नंबर की इस योनि को हम यूं ही गंवा दें तो फिर बेकार। हम कमाने की मना नहीं करते, खूब कमाना, दिल से कमाना, शरीर की कैपेसिटी के अनुसार कमाओ, तुमसे जितना बने उतना कमाओ, खूब कमाओ, पर साथ में अपने परिवार के साथ, अपने कुल के साथ में, अपनी पत्नी बच्चे माता पिता बहन भाई सबके साथ बैठकर कम से कम हफ्ते में 2 दिन ऐसा बना लो, या हफ्ते में 1 दिन ऐसा बना लो कि मैं पूरे परिवार के साथ घर में एक साथ बैठकर भोजन करेंगे, तो कम से कम सबका मन अच्छा रहेगा, सबसे मिलना जुलना होगा, सबका स्नेह बनेगा, सबसे मिलने का मौका मिल जाता, स्नेह बन जाता। मैं बहेड़िया परिवार से कहूंगा, भैड़िया जी हम लोग कथा करने के लिए परली बैजनाथ सोमानी जी के यहाँ गए थे, यहाँ सूरत वाले सोमानी जी भी बैठे हैं, उनको भी स्मरण होगा, हम परली बैजनाथ गए थे कथा सुनने के लिए। तो कथा करने के लिए जब परली बैजनाथ गए, जैसे भैड़िया परिवार में तीनों भाई और तीनों भाइयों की मित्र मंडली और पूरी समाज, माहेश्वरी समाज, मारवाड़ी माहेश्वरी समाज बड़ोदरा की जो लगी है, ऐसा कैसा ही वहां जब परली बैजनाथ जब कथा करने गए, सोमानी जी कथा कराए, तब हमने देखा वो उनके घर में वो अकेले, तो हम देखते वो सुबह के टाइम पर हमारे को दोपहर में कथा में लेकर जाते, उसके बाद वो जो गायब होते तो रात को भी मिलना नहीं हो पाता। तो हमने सोमानी जी से पूछा, उनके पिताजी से, बाबू कहाँ चले जाते हैं, गुरु जी अकेला है, समाज के लोगों के साथ में मिलकर पूरी इतनी लाखों जनता जो आ रही है उसकी व्यवस्था देखना पड़ती है। हमने कहा एक बार हम भी जाकर देखेंगे, जैसे हमने कल भैड़िया परिवार के साथ में आकर यहाँ व्यवस्था देखी, ऐसी हम वहां भी देखने गए। और जब जाकर देखा कि वहां पूरी समाज, पूरी मारवाड़ी माहेश्वरी समाज सबको हथेली पर झेल रही है, और कल हमने यहां देखा कि पूरी माहेश्वरी मारवाड़ी समाज सबको हथेली पर झेल रही है। मैं धन्यवाद दूंगा मारवाड़ी माहेश्वरी समाज को, ये माहेश्वरी समाज कोई साधारण नहीं है, ना जाने कितने लोगों को प्रेरणा देती है, आगे बढ़ने की सीख प्रदान करती है कि काम कोई छोटा सा नहीं होता। मारवाड़ी महेश्वरी समाज कहती है छोटे से छोटा काम भी करोगे और अगर कर्म पूरा करोगे तो तुम बढ़ते चले जाओगे, क्योंकि तुम भगवान महेश के वंशज हो। ये सीख देती है। हम कल बहुत अच्छा लगा बहेड़िया परिवार के साथ हम यहाँ आए और हमने देखा संपूर्ण सब माहेश्वरी बंधु और ना जाने कितने कितने भाई बहन सब लगे हुए हैं आनंद के साथ में, और कई कई संस्थाएं भी लगी है, एक कोई बहनों की संस्था भी यहाँ पर लगी है, कोई चाय बना रही, कोई कॉफी बना रही, कोई कुछ बना रही, कोई कुछ, देखकर प्रसन्नता, उसको देखकर एक आनंद की अनुभूति हुई। कोई सखी मंडल वगैरह है बना रही,
कितना कितना प्रेम। हम दुनिया के लोगों से कहते हैं कहीं अगर तुम्हें कहीं सन्यासी साधु संत महात्मा जोगी तपस्वी तप करने वालों का दर्शन करना है तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, शिव महापुराण के अंदर आकर बैठ जाओ, जितने भी भक्त तुम्हें बैठे हुए दिखेंगे ये सब शंकर के तपस्वी साधु सन्यासी हैं, और जो सेवा कर रहे हैं ये मेरे भोलेनाथ की कृपा से बैकुंठ से भेजे हुए वो आनंद है जो नित्य सेवा में लगे हुए। मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, उमा मैया रही भगवान शंकर जी के साथ में, तात्यायनी रही भगवान शंकर जी के साथ में, चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदा सब भगवान शिव जी के साथ में रहे, परंतु भगवान कभी अपने साकार विग्रह में नहीं आए। भगवान लिंगायत स्वरूप में थे, लिंग के स्वरूप में थे, जो ब्रह्मा जी ने और भगवान विष्णु ने जो प्रकट करा था एक अग्नि के खंभ से, एक पर्वत के खंभ से, भगवान शंकर का जो शिवलिंग जो स्वरूप प्रकट करा था, मेरा देवाधिदेव महादेव सती मैया के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, उमा जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, कात्यायनी जी के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, चंद्रघंटा कुष्मांडा स्कंदा के साथ में रहे तो वैसे ही रहे, पर जब पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए और पार्वती जी के यहाँ विवाह करने के लिए गए तब सारे 33 कोटि देवी देवताओं ने शंकर भगवान की आराधना करी, तब भगवान शंकर पार्वती जी के दरवाजे पर अपना साकार स्वरूप प्रकट कर जाते हैं, अपना साकार स्वरूप उन्होंने प्रकट किया। जैसे बहुत भारी रोग होने पर वट वृक्ष के नीचे चढ़ाया गया जल शरीर को लाभ देता है, बहुत बीमारी होने पर उसी तरह भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, भगवान शंकर का शिवलिंग और भगवान शंकर का साकार स्वरूप, इन दोनों में बहुत अंतर। एक बार माता उमा जी ने भी भगवान महेश से पूछ लिया, जरा ध्यान देना, एक बार माता उमा ने महेश भगवान से पूछा था, काशी नंदन वन में माता उमा बैठी हुई है और भगवान देव अधिदेव महादेव आज नंदी पर आ रहे हैं, और नंदी पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव आ रहे हैं, इनके पास में ना सुदर्शन चक्र है ना भगवान के पास में त्रिशूल है, पहुंचे नंदन वन में, माता उमा ने महेश भगवान को देखा, भगवान महेश को देखा, भगवान शिव को देखा, प्रभु एक मेरे मन में संशय है आप उसको क्या मिटा सकते हैं, शंकर भगवान ने बोला, बोलो क्या संशय, संशय केवल इतना सा है काशी में कल्प वृक्ष है, देवलोक में कल्प वृक्ष है, कई जगह पर लोग कल्प वृक्ष लगाते भी हैं, सारी दुनिया में कल्प वृक्ष है, उस कल्प वृक्ष के नीचे कोई बैठता है और बैठा तो जो मांगता है वो उसको मिलता है, कामना की पूर्ति होती है। अब कल्प वृक्ष से जो मांगा गया, कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो होता है, एक कथा आती है अग्नि पुराण के अंतर्गत, एक कल्प वृक्ष के नीचे एक व्यक्ति जाकर चलते 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 थक कर कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया, उसको नहीं मालूम कि यह कल्प वृक्ष है, उसने बस उसके नीचे बैठा और बैठते से सोचा भगवान बहुत भूख लग रही है, परमात्मा कहीं से भोजन आ जाता तो अच्छा, इतनी देर में चांदी की थाली में सोने के कटोरे लगे हुए भोजन आ गया, उसने कर भी लिया, अब मन में सोचा भगवान क्या भरपेट भोजन मिला है, कहीं से गादी तकिया आ जाए तो मैं तो सो जाऊं, इतनी देर में गादी तकिया भी आ गया, वो सोने भी लगा, लेटा ही था, इतनी देर में उसके मन में आ गया और कहीं से शेर आ गया और मुझे खा गया तो, इतनी देर में शेर भी आ गया उसको निपटा दिया, उसको नहीं मालूम कि मैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठा, अगर उसको मालूम होता ना कि यह कल्प वृक्ष है तो वो ये सब चीज नहीं मांगता, सबसे पहले मांगता कि भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना। उमा जी ने भगवान महेश से प्रश्न किया, भगवान महेश से प्रश्न किया है कि भोलेनाथ, हे महेश, हे बाबा देवाधिदेव महादेव, मेरा निवेदन है
सतयुग है कल्प वृक्ष है, त्रेता युग है कल्प वृक्ष है, द्वापर युग है कल्प वृक्ष है। इस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठता है उससे वो मिल जाता है। क्या कली काल में कोई कल्प वृक्ष नहीं होगा? देवाधिदेव महादेव ने जो कहा, मैं इस बड़ोदरा की पावन धरा से कहना चाहूंगा, आप भी जरा ध्यान लगाकर सुनना, जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हो और जितने इस बड़ोदरा के पावन ग्राउंड में बैठकर सुन रहे हो, लाखों की संख्या में आप आए हो, उसको ध्यान लगाकर सुनिएगा जरा। माता उमा भगवान महेश से कह रही हैं कि सतयुग में कल्प वृक्ष में कल्प वृक्ष है, द्वापर में कल्प वृक्ष है, क्या कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? भगवान महेश ने कहा, कौन कहता है माता उमा कि कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं होगा? कल्प वृक्ष तो होगा, पर उस वृक्ष के नीचे कोई भी कितना भी बैठ कर मांग ले उसे कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलने वाला। सुन लो रही बड़ोदरा वाली जीजियों अच्छे से, और जितने बैठे हैं मेरे जीजाओं तुम भी अच्छे से सुन लो, ध्यान से सुन लो। कलयुग में कल्प वृक्ष नहीं है, कई लोग, आप लोगों ने भी सुना होगा यहाँ पर कल्प वृक्ष है गुरु जी, आप दर्शन करने चलोगे? वहां पर कल्प वृक्ष है गुरु जी, आप दर्शन करने चलोगे? तो कितना कल्प वृक्ष! भगवान महेश ने, भगवान शंकर ने माता उमा से कहा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष होगा, कलिकाल में भी कल्प वृक्ष रहेगा। तो क्या कल्प वृक्ष जब कलिकाल में रहेगा और आप कह रहे हो कि मनुष्य कितना भी उसके नीचे बैठ जाए पर उसका कोई फल नहीं मिलेगा, तो क्या संसार में जैसे केला नकली होता है, सेवफल नकली होता है, खाने वाला तेल नकली होता है, घी नकली होता है, पेट्रोल भी नकली हो गया, तो क्या कल्प वृक्ष भी नकली होगा क्या? शिव जी मुस्कुरा के बोले, रही पार्व, ए उमा, कल्प वृक्ष नकली नहीं होगा, पर जो उसके नीचे बैठा है वो नकली। कल्प वृक्ष क्यों नकली होगा? भजन के बल पर मीराबाई को भगवान कृष्ण मिल गए थे, भजन के बल पर नामदेव जी को हरि विठ्ठल मिल गए थे, भजन के बल पर रामकृष्ण परमहंस को जगदम्बा मिल गई थी, भजन के बल पर तुकाराम जी को पांडुरंगा का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर ध्रुव जी को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर प्रहलाद को भगवान का दर्शन हो गया था, भजन के बल पर परमात्मा का दर्शन पहले भी होता था, आज भी होता है, पर पहले जैसा भजन आज नहीं होता है, नहीं तो परमात्मा तो मिल गया। कल्प वृक्ष असली है, बस बैठने वाला बहुत समझने वाली बात है। ये एक पढ़ा लिखा लड़का, उसको कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी, तो उनके जैसे अपने बड़ोदरा में कथा हो रही है, ऐसे वहीं पर कहीं पे सर्कस आ गया। जो सर्कस आया तो पढ़ा लिखा लड़का जाकर बोला सर्कस के मैनेजर से, सर मेरे पास नौकरी नहीं है, मैंने MBA सब करा हुआ है सर, मेरे को नौकरी दे दो सर। सर ने कहा, हमारे यहाँ नौकरी तो मिल जाएगी पर तुम्हें बंदर के कपड़े पहनना पड़ेंगे और तुम्हें पिंजरे में छोड़ दिया जाएगा और तुम्हें शेर के मुंह में हाथ देना पड़ेगा, तो तुम्हें 9,000 रुपये महीना मिलेगा। कि ठीक है सर, दे दो, मैं दे दूंगा। मरता क्या नहीं करता, नौकरी नहीं है तो भी उसने सर्कस में नौकरी कर ली, इसको पिंजरे के अंदर छोड़ दिया, जैसे ही पिंजरे में छोड़ा, छोड़ने के बाद थोड़ी देर बाद उसमें शेर आ गया पिंजरे के अंदर, पहले ही कहा था कि शेर आएगा, और शेर आया दहाड़ता हुआ, जो शेर धाड़ता धाड़ता इसके पास आए, ये पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे सरकता जाए, शेर और आगे आए, ये और पीछे खसकता जाए, शेर एकदम कूद के इसके पास में गया और जाते से ही बोला, तू चिंता मत कर, मैं 5,000 में शेर बना हूं, तू 9,000 में बंदर बना है। नकली के युग में सब नकली नजर आता, सब वाह वारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। बहुत कठिन है असली मिलना, आज के जमाने में असली घी नहीं मिलता तो असली गुरु कहां से मिलेगा, बहुत ढूंढना पड़ेगा, बहुत। इतना गुरु हो गया, इतना गुरु हो गया, 2 रुपए किलो में ढूंढ लो तुम, जाना किसी कुंभ के मेले में, ढेर गुरु ही गुरु मिलेगा, ढेर सारा साहब, इनका इतना, इनका इतना, इनका ये मठ ने, उनका ये मंदिर ने, उनका ये इतना गुरु। अब इसमें पहचानो तो असली कौन सा है रे, असली कौन सा है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है, असली वही मिलेगा जो तुम्हें बस खुद से ना जोड़कर परमात्मा से जो जोड़ दे, राम नाम और कृष्ण नाम शिव नाम से जोड़ दे, बस वही असली।
जो आपको अपने घर का पता बताए, जो आपको अपना पता बताए, वो असली नहीं हो सकता। जो आपको परमात्मा का पता बता दे, बस वही असली हो सकता है। बाकी का दुनिया में साफ नकली। उमा माता ने कहा महादेव जी से, महेश्वर भगवान से, तो क्या कल्प वृक्ष नकली होगा? नहीं, जो नीचे बैठा है वो नकली है। अगर वो असली होता और कल्प वृक्ष के नीचे बैठता तो कल्प वृक्ष उसको देता, तो फिर संसार के लोगों के लिए वो कौन सा कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी उस कल्प वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाएगा और उसकी मन की कामना पूरी हो जाएगी। तो मेरे भगवान महेश ने कहा वो कल्प वृक्ष एक है, जो तुम रूका जी ने चंचुला को शिव महापुराण की कथा सुनाई, वो कथा का जहां पंडाल लगेगा वो कल्प वृक्ष है कि पापी से पापी भी बैठ गया तो भी फल पाकर ही जाए। कोई कैसा भी बैठा है उसे फल मिलेगा, भले वो किस भाव से बैठा, उसने ये सोचकर बैठा कि मुझे मिलना चाहिए, मिलेगा। इसलिए हम शिव महापुराण में बार बार कहते हैं ये साधारण शिशु पुराण नहीं, ये वो कल्प वृक्ष है, जिस कल्प वृक्ष के नीचे जो बैठ गया उसको वो मिल गया। भले तुम चैनल पर सुन रहे हो, भले तुम मोबाइल पर सुन रहे हो, पर कल्प वृक्ष की छाओं में अगर कथा सुन रहे हो, तुमने जो मांगा है, तुमने जो कहा है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर जो तुम अपने दिल की बात देवाधिदेव महादेव से कह रहे हो, ये निश्चित है कि तुम्हें, हम तो कहेंगे 3 महीने में अभी बहुत टाइम लगेगा, अभी गुजरात वालों को तो 2 कथा मिली है, ये मेरा विश्वास कहता है। जिन्होंने यहां कथा सुनी है उनका अगला ऐसा पत्र, ये मेरा विश्वास कहता है कि पावागढ़ के पास में जो कथा है उसमें मिल जाए। अब 3 महीने तो दूर है, पावागढ़ की कथा कब की है? शायद जनवरी फरवरी में, 23 जनवरी, जनवरी ना? हाँ सही छे, हाँ नहीं तो तुम मन पड़े। क्यों रे आस्था वाले बोल बताओ रे, इनके नहीं मालूम बापड़ा उन निकाली सो बता। अब तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? दिसंबर। अब जनवरी आने में तो 3 महीना भी पूरा नहीं होगा, ये मेरा विश्वास कहता है। पत्र आपका भी वहां पहुंचेगा कि मेरा बाबा ने मेरी सुनी है, मैंने पंडाल में बैठकर कथा श्रवण करी थी बड़ोदरा में और बाबा ने मेरी सुनी है, बाबा ने मुझे दिया है। तुम कहोगे, तुम्हारा भी पत्र वहां पहुंचेगा कि मुझे मेरे बाबा ने हाथ पकड़ा, ये उसकी कृपा, ये उसकी उदारता। महाराज शिव महापुराण की कथा कल्प वृक्ष का कार्य करती है। कह दिया भगवान महेश ने, उमा कली काल में, कलयुग में कल्प वृक्ष के नीचे भले संसार का मनुष्य बैठकर कितना भी कुछ मांग ले उसे नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसने इतना झूठ छल कपट पाप कर्म इतना करा हुआ होता है कि वो प्राप्त होना कर। पर सुनो उमा, यदि शिव महापुराण रूपी कल्प वृक्ष के नीचे अगर कोई बैठेगा, शिव महापुराण की कथा को अगर कोई श्रवण करेगा, तो उसको जो मिला है वो जीवन में कहीं से प्राप्त नहीं हुआ होगा जो शिव दे सकते हैं। देखो ये पत्र आया है, पत्र में देखिए मेरा नाम रीतिका शर्मा है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति सुमित शर्मा इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं और बड़ौदा में पोस्टेड हैं। कहीं बैठी हों तो आप हाथ हिलाइएगा, जहाँ बैठी हों, जहाँ भी बैठी हों दोनों हाथ हिला दीजिएगा। मेरा नाम रीतिका शर्मा है, मैं ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मेरे पति सुमित शर्मा इंडियन एयरफोर्स में कार्यरत हैं और बड़ौदा में पोस्टेड है। कहीं बेटी हो तो अवश्य हाथ लाइएगा। गुरु जी मेरी बेटी आराध्या शर्मा आयु 10 वर्ष, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दो एक बार। आराध्या शर्मा भी आई हैं। मेरी बेटी आराध्या शर्मा आयु 10 वर्ष को हमेशा पेट में दर्द रहता था,
जब वह इसके बारे में बताती थी तो हमें लगता था कि ऐसी ही बोल रही होगी। लेकिन एक दिन हमने उसे डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड कराया। अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डराने वाली थी। डॉक्टर ने बताया था कि बेटे की दोनों आंतें एक दूसरे से जुड़कर चिपक गई हैं, सिकुड़ गई हैं, और बेटी को एडमिट करना पड़ेगा और कल ही ऑपरेशन करना है। हम बहुत परेशान हो गए। पति एयरफोर्स में है, उन्होंने कहा कि एक बार अपने डॉक्टर को भी और दिखा लेते हैं। मेरी सासू माँ प्रतिदिन कथा सुनती हैं और शिवालय भी जाती हैं। अगले दिन डॉक्टर के पास जाने से पहले माताजी बेटी को मंदिर ले गए और वहां उन्होंने बेटी के साथ बाबा का जलाभिषेक किया और जल को एक लोटा शिवजी को चढ़ाया और वो पानी चढ़ा हुआ इस बेटी को पिलाया, एक बेलपत्र चढ़ी हुई खिला दी। खिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती रही और अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट डॉक्टर ने देखी तो वह भी परेशान हो गया और उसने बोला कि प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है, इसको तुरंत एम्बुलेंस से हॉस्पिटल लेकर आओ और इसका ऑपरेशन करना होगा। बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए भेजा गया और बेटी को दिखाया। जब बेटी को दो रिपोर्ट अल्ट्रासाउंड की जिसमें उसकी दोनों आंतें जुड़ी हुई थीं और तीसरी रिपोर्ट जब बेलपत्री और जल पिलाकर उसको लेकर गए और बेटी का जो पेट चेक किया गया और बाद में फिर अल्ट्रासाउंड फिर से कराया गया, तब दोबारा अल्ट्रासाउंड में जो आया डॉक्टर भी आश्चर्य में पड़ गया कि वो पूरी रिपोर्ट वापिस नॉर्मल आ गई और दोनों जो जुड़ा हुआ था वो नहीं मिला और बेटी मेरी ठीक है। अब ठीक है बाबू, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। गुड़िया आइए साथ में। अच्छा यही है, ठीक 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 है, हर हर महादेव। बैठिए, एक पत्र और बड़ा सुंदर है। अलका हनुमान दास जी चांडक राणापुर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश से आए हैं। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार। श्री शिवाय नमस्ते। अलका हनुमान दास चांडक राणापुर जिला झाबुआ मध्य प्रदेश, मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरु जी के चरणों का आनंद, शिवजी को नमन करती हूँ। शिवजी की कृपा का क्या बखान करूं गुरुदेव। कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष के जल और पशुपतिनाथ व्रत एवं आंवले के फल का अभिषेक से मेरा बड़ा भाई सुरेश बाहेती, जो कि बाग का निवासी है, उसको नया जीवन मिला है। उसकी किडनी और फेफड़े लीवर पूर्ण रूप से डैमेज हो चुके थे। अहमदाबाद इंदौर बड़ौदा और दाहोद भी सभी जगह के डॉक्टरों ने कह दिया था कि आपके भाई जितने दिन निकाल लें वो सही, आप उनको घर ले जाओ। लेकिन उनके ही परिवार की छोटे भाई की बहू को भोले बाबा पर अगाध आस्था है, उन्होंने आपकी कथा सुन रखी है। उन्होंने अपनी जेठानी जी के लिए पशुपतिनाथ का व्रत किया और आंवले के रस का अभिषेक जैसा आपने बताया था वैसा करना प्रारंभ करा, रुद्राक्ष का जल पिलाना प्रारंभ करा। और दूसरी बार जब उनकी जांच के लिए उनको वापिस लेकर आए बड़ौदा, तब 80% तबीयत उनकी ठीक हो चुकी थी और उनका किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर दिया था। आज भी बाबा की कृपा से वो बिल्कुल ठीक हैं। जिन डॉक्टरों ने कहा था ये थोड़े समय के हैं, बाबा ने उनको अच्छा रख रखा है और उनकी 80-90% किडनी लीवर काम करने लगा। बैठिए, ठीक है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, विराजिए, हर हर महादेव। शिव कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, उसकी दया बिना कुछ नहीं होता। तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर से इलाज भी करवाओ, डॉक्टर को उपचार भी लो, दवाइयां भी खाओ, औषधि भी लीजिए, मना नहीं है। पर उस औषधि के साथ में भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना भी करिए कि बाबा जो दवाई ले रहे हैं इस दवाई को आप अमृत कर दीजिए और इनको ठीक कर दीजिए। बाबा पर विश्वास रखकर हमने अपनी कथा में इस व्यासपीठ से सालों साल हो गए कथा करते करते, कभी ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर को मत दिखाओ, डॉक्टर को दिखाओ, दवाइयां भी खाओ, इलाज भी कराओ, सारी जांचें भी कराओ, पर जांचों के साथ में एक लोटा जल मेरे देव अधिदेव महादेव को चढ़ा कर जाओ, उसका फल अधिक मिले। अब तो एक विचार करो ना कि डॉक्टर भी कहता है ये दवाई पानी से लेना, ये पानी, ये गर्म पानी से लेना, ये दूध से लेना, उसी तरह दवाई लेना तो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ा के फिर लेना, काम तो करेगी, कुछ ना कुछ तो फल देगी, सारी समस्या का हल। जरा जम के बोलो, एक लोटा जल, कहीं नहीं भटकना, हमें कहीं ढोंग और प्रपंच में नहीं जाना, हमें किसी अंधविश्वास की ओर नहीं जाना, हमें किसी के प्रपंच में नहीं जाना, हमें तो अगर जाना है तो केवल देव अधिदेव महादेव को एक लोटा जल चढ़ाकर एक बेलपत्री का आनंद कर हमें शिव का भजन करना।
परिवार का अगर एक व्यक्ति भी शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनता है तो उसका फल पूरे परिवार को प्राप्त होता है, पूरे परिवार। अब कहोगे गुरु जी ऐसा कैसे होता है, तो आपने पहले किया था बद्रीनाथ जी से इतना सा प्रसाद लेके आती और इतने बड़े प्रसाद में मिला के पूरे मोहल्ले में बांट देती। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? बोलो री बड़ोदरा वालियों केम छो? तो तुम जब इतना सा प्रसाद द्वारका जी का लाई और इतना सारी मिस्री में मिला दिया, इतना सा प्रसाद सांवरिया जी की लाई इतनी बड़ी मिस्री में मिला दिया, इतना सा प्रसाद नाथद्वारा का लाई इतने सारे सामान में मिला दिया, इतना सा प्रसाद रामेश्वर सामान में मिला दिया, पूरे परिवार को टच स्क्रीन जैसा मिलेगा कि नहीं? हल्को उसने सुनी, सुनकर वो किसी के पास में बैठा, टच हुआ प्रसाद बढ़ता, फिर बढ़ता। भगवान देवती देव वो प्रसाद थोड़ा सा है पर उसका फल अधिकतम। बस सबसे मूल है आपका विश्वास। भगवान देव अधिदेव महादेव ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे बहुत सारा धन देना, कि वैभव देना, कि मुझे बहुत सारी दौलत देना, कि मुझे बहुत सारा वैभव देना। कड़प एक धीमर जो पशुओं को मारता था, पक्षियों को मारता था, कच्चा उनको खा जाता था, ऐसा धीमर कड़प। एक बार घूमते घूमते जंगल में चला गया, किसी के मुख से उसने सुना था बहुत पहले कि भगवान देवाधिदेव महादेव जब राजी होते हैं तो बहुत कुछ दे जाते हैं। वो धीमर ने, वो कड़प ने सुना हुआ बचपन का उसको आज तक याद था और वो बहुत बड़ा शिकारी बन गया था, पशु पक्षियों को मारता था। एक बार घूमते घूमते जंगल में चले गया, वो जंगल में पहचान कुछ भी नहीं थी। पहली बार उस जंगल में गया था जिस जंगल में एक ओटले के ऊपर, एक पत्थर के ऊपर, एक वृक्ष के नीचे एक शिवलिंग रखा हुआ था। शिवलिंग जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा शिवलिंग है तो वो ज्यादा पूजनीय होगा, छोटा शिवलिंग है तो वो कम पूजनीय होगा, ऐसा हमारा शिवपुराण नहीं कहता। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान का शिवलिंग घर में अगर एक अंगुष्ठ की आकृति के बराबर भी है तो वो हमको सुख देने वाला है, एक चने की आकृति का भी शिवलिंग है तो वो हमको सुख देने वाला है, और अगर एक विशाल से विशाल 10 फीट का 25 फीट का शिवलिंग भी है तो वो हमको फल देने वाला है। भगवान शंकर का स्वरूप छोटा भी है तो फल देगा, मंझला भी है तो फल देगा, और बड़ा भी है तो भी फल देगा, उसमें भ्रमता नहीं है। ये कई लोगों के घर में बड़ा फैशन चलता है, सास के हाथ के इतने से ठाकुर जी हैं लड्डू गोपाल, सास के हाथ के। अब पहले इतने बड़े आते भी नहीं थे, सास कितना बड़ा ठाकुर जी लगती थी, ठाकुर जी रखे इतना बड़ा। अब नई नई बहुएं आई, मम्मी ओ मम्मी, अरे ओ मम्मी, मम्मी बोली हाँ री बहू, बेटा क्या हो गया? अब तुम्हारे भगवान की सेवा मेड़ से नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? उनको कपड़े भी सही से नहीं पहना सकती, वो लुढ़क जाते हैं, उनकी आंख भी सही से नहीं लगे, उनको जेवर भी सही से नहीं पहना सकती है। तुम्हारे भगवान इतने से मम्मी, मेरी मम्मी बोल रही है मैं वृंदावन जा रही हूं, छोरी तेरे लिए बड़ा वाला ठाकुर जी ला दूं क्या? मम्मी मंगवा लूं क्या? अब माँ क्या बोले? जब एक माता ने आज्ञा कर दी तो दूसरी माता कैसे मना कर दे? नहीं बोल। और अगर ये माता मना कर दे तो क्या हमारी मम्मी का जोल सामान देती वो तुम्हें बुरा ही लगता? अब बिचारी बोल भी नहीं सकती, मम्मी ओ मम्मी मंगा लूं क्या? मम्मी ने पूछा क्यों बेटा अपने घर में ठाकुर जी हैं तो सर छोटा ही बहुत है। नहीं नहीं मम्मी, वो बड़े आ जाएंगे तो उनको कपड़े पहनाऊंगी, श्रृंगार करूंगी, अच्छे लगेंगे, सुंदर लगेंगे, ऐसा लगेगा, उनको मुकुट पहनाऊंगी, उनको ये करूंगी। थोड़े से फैशन के चक्कर में ठाकुर जी को ले आई, इतने बड़े बहू ने कितने दिन सेवा करी,
जब तक छोरा छोरी नहीं हुए तब तक, जो छोरा टोरी में आ गए छोरा छोरी आए, डिकरा डिकरी जो गोदी में आए, फिर सेवा कौन कर रही है? बोलो बोलो जम के बोलो, बेचारी सास। अब सास गुस्से में ऐसी फूले, एक ही अच्छा था, अब मेरे से भी इतना थोड़ी ना बने, शरीर से इतना सारा भगवान रख दिया। अब पहले के शंकर जी भी हैं, पहले के गणेश जी भी हैं, पहले के लड्डू गोपाल जी भी हैं, और चली तो तू इनके लिए आई, द्वारका गई द्वारकाधीश के लिए आई, रामेश्वर गई उनके लिए आई, बद्रीनाथ गई उनके लिए आई, और मुझसे के सबको पोच पोच के तिलक लगा। जहां जाती है वहां से एक देवता लेके आ जाती है। भगवान हुन भी आपस में सोच रहे कि गई है अभी आ डाकोर जी, लेके आएगी खसक के बैठो। तो देवता हुन भी जगह बना के बैठते हैं, ये जाती तीरथ और देवता जगह बना लेते हैं, यहां आके बैठ जाएंगे अपन सरक जाएंगे। अब खसकते खसकते भगवान भी ऐसी जगह बैठ गए कि इतने इतने से भगवान बिचारे, इतने इतना सा मंदिर और उसमें इतना सारा देवता और इतनी सी शक्कर लाई भगवान के धर दी, और आरती गा रही है, मात पिता तुम मेरे शरण गऊ में किसकी। भगवान भी मन में सोच रहे किसी की मत जा, किचन में जाके दो चार शक्कर की कटोरी ओल लिया, अरे माता का इतनी सी शक्कर, इतनी सी शक्कर, इतना सारा देवता। और एक बार सुबेरे पूजन करके गई, पानी का लोटा रख गई, मालूम पड़े वो छोरा छोरी ने गिरा दिया, भगवान के पूरे कपड़े गीले हो गए। गणेश जी ने भगवान शंकर जी से कहा पूरे कपड़े गीले हो गए, शंकर जी बोले अब चिंता मत कर कली आएगी, गई वो तो सुबह आएगी जब बदलेगी। नहीं नहीं, शिव कथा कह रही है तुम्हारे घर में अगर तुम्हारी सास के हाथ के ठाकुर जी हैं, भले कितने भी छोटे हैं, वो 50 साल 100 साल 25 साल 10 साल पुराने हैं, जितने जितने ठाकुर की मूर्ति पुरानी होती चली जाती है उसमें भजन का बल बढ़ता चले जाता है, उसको रखो। फैशन के चक्कर में मत रहो। और आज इस बड़ौदा की धरा से आप सभी को निवेदन करना चाहूंगा, जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक पर यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने पंडाल में सुन रहे हैं, आप अपने पत्र लिखकर भेजो, मना नहीं है, पर इन पत्रों पर ना तो शिवलिंग का फोटो बनाओगे ना शंकर भगवान का फोटो बनाकर भेजोगे। जितनों का भी पत्र लिखना लिखो, कई लोग शिवलिंग का फोटो बना देते हैं, कई लोग शंकर भगवान का फोटो बना देते हैं। हम पहले भी बोले हम केवल पत्र पढ़ते हैं, जो आप भेजते हो वो यहां रखा जाते हैं, पढ़ लेते हैं, पढ़ने के बाद वो पत्र आप ही के बड़ौदा में आप ही के नगर में रोज रखे रहते हैं। किसी के मन में ये शंका हो कि सियोरवाला महाराज ने कहीं गलत भाज दिया हो तो पत्रों में नंबर भी लिखे रहते हैं, आप आराम से फोन लगाओ और उनसे बात करो, मना नहीं है, ये पत्र यही है। पर उन पत्रों को पीछे अगर आप फोटो बना दिया शिव जी का, शिवलिंग बना दिया और वो पत्र किसी ने फाड़ कर फेंका, डस्टबिन में डाला, हमको अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए पत्र लिखो, आपका नाम लिखो, मना नहीं। पर भगवान के फोटो से वो बनमची थोड़ा थोड़ा दूरी बनाकर, हम तो बड़ा पत्रिकाओं में भी, शादी की पत्रिका में भगवान के फोटो का हम विरोध करते हैं कि शादी की पत्रिका में भी भगवान का फोटो नहीं होना चाहिए। अगर उस पत्रिका में तुम्हारा फोटो छाप दो जिसकी शादी हो रही है दूल्हा दुल्हन, और कोई उस फोटो को यूं फाड़े तो घर की मारी के दे, अभी शादी भी नहीं हुई, मत फाड़ो रे बापड़ा उनका, मत फाड़ो। और भगवान का फोटो कहीं का फाड़ दे तो कुछ नहीं, बोले अम्मा भी अब ठीक है ठंडा करने दर्द हो, बोले बोले। इसलिए निवेदन आज, शिवलिंग छोटा सा छोटा है तो वो भी सुख दे रहा है, शिवलिंग जितना बड़ा है वो भी सुख दे रहा है, पर आप जिस भजन में लगे हो, कड़प ने ये नहीं जाना कि शिवलिंग है, बस उसको दिख गया ओटले के ऊपर भगवान शंकर रखे हैं और शिव महापुराण की कथा कर रही है, कड़प ने केवल वो शिवलिंग का दर्शन किया और शिवलिंग का दर्शन कर उसके मन में आया इस जंगल में, वीरान जंगल में मेरा महादेव कब से बैठा हुआ है, इसकी पूजन कोई नहीं करता है, मैं इसकी पूजन करूंगा। अब देखो क्या प्रसाद ला रहा, क्या लेकर जा रहा, कड़प गया और कड़प ने जाकर भगवान शिव के लिए पानी लेकर आ रहा था तो सोचा बर्तन भी तो नहीं है, बर्तन भी नहीं, ये विश्वास
ये भरोसा। हमें बड़ा दुख होता है जब किसी के घर में जाते हैं और कोई कहता है गुरुजी मेरे घर में भगवान का मंदिर भी बना है। आप लोग भी कई बार किसी को कह दिए होंगे हमारे घर में भगवान का छोटा सा मंदिर है गुरुजी। तुम्हें कहना क्या था कि भगवान के घर में हमारा घर है गुरुजी। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का घर है गुरुजी। अब तुम्हारे घर में अगर भगवान का घर है तो कुछ भी परेशानी आए तुम झेलो, और अगर भगवान के घर में तुम्हारा घर है तो परेशानी आए तो भोलेनाथ झेल। अंतर देखिए कितना, उस अंतर को पहचानिए, अंतर कितना है। हम कहते हैं हमारे घर में भगवान का मंदिर बनाए, हमारे घर में भगवान का घर है, हमारे घर के अंदर हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का आलिया बनाया, हमने भगवान का ये कमरा बनाया, कक्ष बनाया, हमने ये मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का मंदिर बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया, हमारे घर में हमने भगवान का कक्ष बनाया। तुम्हें कहना चाहिए ये भगवान के घर में हमारा घर बना है गुरुदेव। अगर हमारे यहाँ टेंशन आएगा तो टेंशन महादेव को हो जाएगा, क्योंकि हम उसके घर में रह रहे हैं। जिसके घर में जो रहता है टेंशन उसको, अभी तुम पूछो बहेड़िया परिवार से इनको हमारे चक्कर में कितना टेंशन होगा, तुम पूछो इनसे। देखो गरम गरम रोटी भेजना, ठंडी मत भेजना, और ये सारी बहुएं हैं ना, ये दोनों तीनों तीनों भाइयों की, ये तीनों कम थोड़ी ना है। गुरुजी आ रहे हैं, भजन गाना है, प्रणाम करना है, ये करना है, थोड़ा सामग्री पहुंचाना है। अब हम इनके यहां रह रहे हैं तो इनको टेंशन है, समझना जरा, बहुत अच्छे से समझना। हो एक कारागार में, एक जेल के अंदर जो वो रहता है उसके अंतर्गत कोई पकड़ा जाता है और उसको बंद कर देते हैं, उसके अंदर रहने की पूरी जवाबदारी किसकी होती है, उस जेलर की। बोलो रहती कि नहीं रहती, कि ये हाजिरी भरता है कि नहीं, और वो गायब हो जाए तो जेलर को गायब कर देते। कांगिया बोल, वो कहां गया, तूने गायब करा, कहां गया। उसकी तबीयत भी खराब हुई तो जेलर को पकड़ा जाएगा, उसको कुछ भी हुआ उसको पकड़ा जाएगा। ये बीमार कैसे पड़ा, इसको तकलीफ कैसे हुई, इसको ये कैसे हो गया, कट क्यों लगा, हाथ कट से कटा, पांव कैसे टूटा, उससे पूछा जाएगा कि तूने ऐसा क्या करा। उसी तरह हम अगर ये कहते हैं कि हमारे घर में भगवान रहते हैं, हमारे घर में मंदिर है, हमारे घर में हमने भगवान का कमरा बनाया है, तो सारी जवाबदारी तुम्हारी होगी। और अगर तुम ये कहते हो कि भगवान के घर में हमारा कमरा बना है तो पूरी तुम्हारी जवाबदारी महादेव की होगी। फिर वो जा, फिर वो जा। अब तुम्हारे ऊपर अगर दुख भी आया, तकलीफ भी आई, कष्ट भी आया तो तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, तुम्हें टेंशन छोड़ देना, फिर तुम्हें टेंशन ही कुछ भी नहीं रखना। तुम्हें तो ये रखना है कि हम महादेव के घर में रह रहे हैं तो चिंता किसको करना है, बोलते जाओ जम के महादेव। अगर हमारी आंख में आंसू आया तो रोना किसको है, आंख में आंसू भरकर महादेव को। हुआ भी यही था, जिस समय पर हनुमान जी महाराज अयोध्या में संजीवनी लाते समय नीचे गिरे और उर्मिला जी से उन्होंने कहा, माता उर्मिला आपके पति अंतिम सांसें गिन रहे हैं, वो मृत्यु के सैया पर पड़े हैं। उर्मिला जी ने पूछा, मेरा पति ऐसा नहीं हो सकता। तब उर्मिला जी ने कहा, हनुमान ये बताओ जहां पर मेरा पति अंतिम सांसें गिन रहा है वहां पर रो कौन रहा है, बाण किसको लगा, शक्ति लगी लक्ष्मण को, रो कौन रहा है। उर्मिला जी ने पूछा, हनुमान जी ने कहा, राम जी उनके पास में बैठकर बहुत रो रहे हैं। उर्मिला जी ने कहा, हनुमान यही तो मैं कहना चाहती हूं, लक्ष्मण के रोम रोम में राम है, जहां बाण लगा वहां भी राम है, इसलिए लक्ष्मण सो रहे हैं और राम रो रहे हैं। लक्ष्मण नहीं रो रहे हैं, रो रहे हैं राम, क्योंकि बाण राम को लगा है जिसके साथ गया था। लक्ष्मण किसके साथ गए, राम जी के साथ, पूरी जवाबदारी किसकी, राम जी की। अभी यहां पर कहीं कोई कोई लोग बस लेकर आए होंगे, कोई लोग गाड़ी लेकर आए होंगे, उन्होंने कहा होगा हमारे साथ चलो साहब चलो साहब, और सब कोई सूरत से, कोई अहमदाबाद से, कोई कहीं से, कोई कहीं से, सब गाड़ी में भरा कर लेकर आए। जवाबदारी किसकी, जो लेके आया। अब उसने कह दिया कि जवाबदारी इनकी है, तो उसने भी कह दिया, देखो साहब मेरी जवाबदारी पे मत जाना,
कथा में जा रहा है। अब कथा किसकी, यहां बहेड़िया परिवार कथा नहीं करवा रहा, फिर समझ जाना। यहां कथा कराने वाला ये पुत्र स्वर्गीय काव्य की स्मृति में हो रही है, और ये बहेड़िया परिवार नहीं करवा रहा, ये कथा करवाए ये इनके बस की बात नहीं है। इसने उनसे कह दिया, बाबा ओ बाबा कथा होना, कथा काव्य ने उनसे कहा। तो देवाधिदेव महादेव ने, जैसे चंचुला देवी ने पार्वती जी से कहा था, पार्वती जी ने महादेव से कहा था, उसी तरह इसने भी कह दिया देवाधिदेव महादेव से, काव्य मेरी कथा शिव पुराण सुनना है मुझको, बाबा कथा का कथा वो करवा रहा है उसकी सामर्थ्य। तो तुम्हें लाने वाला भी वो, ले जाने वाला भी वो, कई कई ऐसे भी आए होंगे टू व्हीलर पर जिनको गाड़ी तक चलाना नहीं आती, तो भी वो यहां तक लिया है। जब हम यहां से जाते हैं और माताएं जब गाड़ी चला के जाती हैं, तो वो गाड़ी में हमको देखती और ऐसे ऐसे हाथ करती, हमारी जान दुख दुख होती, उधर देख ले जी जी, उधर देख। हमने कई बार वो बेटा क्या नाम उसका, वो हमको लेकर आता है, हाँ अबीर, तो वो बाबू हमको लेकर आता है, तो हम उससे कई बार कह देते हैं, देख वो बार बार अपने को देख रही, थोड़ा गाड़ी रोक ले, अपन पीछे हो जाए, या इसको आगे कर दे, या अपन आगे हो जाए, या अपने को देखने के चक्कर में ऊपर नहीं देख ले, ये थोड़ा बड़ा टेंशन, और इतनी खुश हो जाए, इतनी खुश हो जाए, सियोर वाला मरा। अब इतनी खुश हम, ये तो खुश हो, हम रोए, भगवान हमारे हाथ में, तल्लू जी महाराज हमारे ठाकुर जी, हम इनसे कह, लाला इसका ध्यान रखना जब तक इधर देखे, ये हमको देखे तो इनको देखते रहना, और पूछो सभी से, ठाकुर जी का मुंह इधर होता है, हम उनका मुंह घुमा के खिड़की की ओर कर देते, ये हमको देख रही तो इनको देख ले, थोड़ी देर गाड़ी तू चला, हम उसके भरोसे पर। तो हमें कभी नहीं कहना कि मेरे घर में भगवान का मंदिर है, हमें यह कहना है भगवान के घर में मेरा कमरा है, मैं भगवान के घर में रहता हूं, इसलिए मेरी पूरी चिंता, मेरा पूरा टेंशन मेरे देवाधिदेव महादेव का है, मेरा कुछ नहीं, मेरा कुछ नहीं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और ये हार और जीत सब परमात्मा के सहारे पर छोड़ो, वो संभाल ले। कड़पने भगवान शिव की आराधना करना चाहिए, भगवान शंकर की आराधना कड़प कर रहा है, भगवान शिव की आराधना कड़प कर रहा है, उसको नहीं आता कुछ भी, ना पूजन जानता, ना पाठ जानता, ना अर्चना जानता, ना आराधना जानता, वो तो केवल इतना जानता है कि ये महादेव हैं और मैं इनका सेवक हूं, मैंने अपने बचपन में सुना था शिव ऐसे हैं, भोले हैं, उनको रिझा सकते हैं, शंकर भगवान को मना सकते, सरल है शिव। सारे मंदिरों में राजसी ठाट रहता है, पर महादेव के मंदिर में कोई राजसी ठाट नहीं। महादेव के मंदिर में जो आए, एक लोटा पानी लाओ, चढ़ाओ, बेलपत्र चढ़ाओ, अपने घर जाओ। शंकर जी कहते हैं मेरे मंदिर में ज्यादा बैठो भी नहीं, यहां बैठ के करोगे क्या, इतना समय क्यों बर्बाद करोगे, जाओ अपने घर मां भजन करो। जाओ भजन करो, भगवान शिव से कहे, भगवान शिव से निवेदन करे, नमन करे, प्रार्थना करे। जल चढ़ाने का पात्र नहीं है, मुख में जल भरा है कड़प में। वो धीमर ने अपने मुख में जल ले लिया, वृक्षों की पत्तियां तोड़ ली, क्या भोग लगाऊं, क्या प्रसाद लेकर जाऊं, कुछ भी नहीं था। तो जो कोई थोड़ा सा जो पशु पक्षी को मारा था वही पड़ा हुआ था, ले गया, वही ले गया। रोज शिवजी पे चढ़ा देता, एक ब्राह्मण वार रोज तो नहीं आता, पर सोमवार की सोमवार पूजन करने आता, तो उसने देखा हफ्ते में क्या पड़ा है, इतना गलत चीज लोग यहां शिवजी के मंदिर में पटक कर चले गए। उसको क्रोध आया, उसने एक पिंजरा बनाया लोहे का,
उसमें शिवलिंग को बंद कर दिया, भगवान के शिवलिंग को उसने बंद कर दिया। बड़ी मुश्किल से कोई शिव मंदिर तक जाता है, और अगर शिव मंदिर तक चला गया है तो भगवान से ये प्रार्थना करो कि ऐसे ही ये शिव मंदिर तक, शिवालय तक, भगवान की चौखट तक जाता रहे। आज के जमाने में, आज के समय में सब जगह जाने का समय है व्यक्ति के पास में, पर भगवान के देवालय में, शिवालय में, मंदिर में जाने का, पूजन में, पाठ में, स्मरण में लोगों का मन। नवयुवक बेटे बेटियां, अगर आज भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं, भगवान शंकर के मंदिर जा रहे हैं, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा रहे हैं, तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि हमारा कलयुग गया, शिव युग आ गया, ये मानकर शिव की आराधना कर रहे हैं, शंकर की आराधना में लगे। अब कई लोगों को लगता है कि बताओ पानी चढ़ाने आ गए, कोई कहे मूंग चढ़ाने आ गए, कोई कहे चावल चढ़ाने आ गए, कोई कहे ये चढ़ाने आ गए, आ तो रहा है, शिव के द्वार जा तो रहा है, बस उसके चरण अगर उसने पकड़ लिए हैं तो उसको मिलेगा, ये निश्चित है। अच्छा, जितने लोग बैठे हो ना, और जितने लोग आस्था चैनल के सामने बैठे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर बैठे हो, तुम सबको मालूम है कि तुम्हारे मम्मी पापा के पास कितना है। उनके पास सोने की रकम भी है, चेन भी है, सोने का कड़ा भी है, सोने का आभूषण भी है, प्रॉपर्टी भी है। अब तुम जाओ और शाम को जाकर उनसे कह दो, ए मम्मी पापा, तुम्हारे हाथ में जो सोने का ब्रेसलेट है वो मुझे दो, और अलमारी में जितना सोना पड़ा है मुझे दो। दे देंगे क्या? अरे बोलो तो रे। और छोरा कहे पापा प्रॉपर्टी की दुकान मेरे नाम कर दो, कर देंगे क्या? अरे बोलो तो रे। कोई नहीं करेगा। तुम डायरेक्ट जाकर कहोगे तो कोई देने वाला नहीं है, फिर क्या करना पड़ेगा इसके लिए? एक बाम की बिक्स की डब्बी होती है, सुन लो, इतने सारे उपाय सुने हैं तो ये भी उपाय सुन लो। एक बाम की बिक्स की डब्बी होती है, उसमें डब्बा ढक्कन जो इतना चौड़ा होता है, खोला, धर दिया और उनमें से निकाला और लगा लुकू के और चुपड़ चुपड़ू के और सो गए, ठीक है? अरे बोलो तो, उसका मुंह इतना चौड़ा होता है कि उनमें से उंगली डाल के निकाल के तुम चुपड़ सकते हो। और एक होता है क्रीम पेस्ट ट्यूब, अब उनमें उंगली डाल के निकालोगे क्या? अरे बोलो तो, जमके नहीं निकलेगा। और निकलेगा क्या उंगली डाल के? नहीं निकलेगा। क्या करना पड़ेगा? बोलो बोलो जरा, तुम सब समझदार हो रहे बड़ोदरा वाले, बोलो क्या करना पड़ेगा? उसको नीचे से थोड़ा दबाना पड़ेगा, जैसे दबाया वो निकली क्या बाहर तुरंत। अब क्या करा तुमने? नीचे से दबाया और दबाते से क्रीम बाहर उंगली में लिया, चुपड़ी पड़ा जोरदार। अब कितनी चतुरता है आज के लोगों को, ये क्रीम भी समझा रहा है कि नीचे से दबाओगे तो ऊपर से निकलकर बाहर आ जाएगा। उसी तरह कुछ मत करो, तुमने प्रॉपर्टी मांगी वो नहीं देंगे, तुमने सोना मांगा वो नहीं देंगे, तुम नीचे दबाना चालू करो फिर निकल के सामने, बस। क्या विचार है रे बड़ो दबालो, क्या करोगे? बस रोज रात के समय शाम को जाओ, मम्मी बस कुछ नहीं करना, ट्यूब को नीचे से दबाना, और ट्यूब नीचे से दबेगा ना तो क्रीम बाहर। फिर तो मम्मी भी बोल देगी, मेरा मन कर रहा है छोरा तेरे को चेन दे दूं, बहुत दिन की रखी है, कब पहनेगा, मुंह में से क्रीम बाहर। फिर पापा कहते बस रोज शाम के जाओ ने ट्यूब दबा, नीचे दबाया और ट्यूब बाहर आया। इतने में पिताजी ने भी कह दिया, कितना अच्छा छोरा, अब तो सुधर गया, मेरा मन हो रहा है अब मैं कब निपट जाऊं, कई भरोसा, इसलिए वो पीछे वाली जो दुकान है और एक 3 मंजिल का मकान, क्रीम बाहर दबाया ये था। अब देखो कहां का काम कर रही है। इसीलिए समझ में आया
कि चौड़ा ढक्कन की डब्बी लोगों ने बंद कर दी, क्रीम लगाना चालू करा तो उसे नीचे से दबाव ने भवक से बाहर आ जाए। इसी से सीख मिलती है कि नीचे दबाएंगे तो ऊपर मिलेगा। उसी से सीख मिलती है शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाएंगे तो शिव कृपा कर देगा, ये निश्चित है। बस वो एक लोटा जल सारी समस्या का हल वो प्राप्त हो जाएगा। दबाना तुमको है, पर निवेदन है वो तुम कितना भी उसका ढक्कन खोल के उसमें उंगली भरो तो भी नहीं निकलेगा, पर निकलेगा कहां से, उसको दबाना पड़ेगा। माता पिता गुरु और परमात्मा के चरण को दबाओगे तो जरूर कुछ ना कुछ निकल कर बाहर आएगा, मिलेगा जरूर। वो खाली नहीं जा सकता, उसका सुख, उसका आनंद, उसकी भक्ति, उसका बल हमको प्राप्त होगा। बस उसको पाने का तरीका आना चाहिए। अब जब जब तुम क्रीम लगाओ, कांच के सामने जाओ और तुम नीचे दबाओ तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि मैंने कितनी बार सास का पांव दबाया है, मैंने ससुर का पांव दबाया कि नहीं दबाया। जब क्रीम नीचे से दबाने से बाहर निकल जाता है तो माता पिता और सास ससुर को नीचे से अगर दबाऊंगी, प्रणाम करूंगी, धोख लगाऊंगी तो जरूर क्रीम निकल के बाहर आएगा। अंगूठी तो दे ही देगी, निश्चित है वो मिलेगा। आज से, अभी से तैयारी कर लो, आज जाते ही शाम के टाइम से अपने को यही करना है और पहला प्रैक्टिकल अपने घर पे अपने पति के ऊपर कर देखना, सिर पे पल्लू वल्लू लेके जोरदार और पल्लू लेके और फिर धीरे से उनके चरण आज दबा के देखना, इतना गारंटी है। तुरंत जी ने मन में सोचा क्या कर रहा है ब्राह्मण देवता, ब्राह्मण कर रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैलाता है कोई, ब्राह्मण कर रहा है मंदिर में आकर गंदगी फैला रहे हैं। उस ब्राह्मण को समझाने के लिए शंकर भगवान ने उस ब्राह्मण से कहा, इस भक्त की परीक्षा में लेकर बताता हूं, तू देख इसके मन में कपट नहीं है, छल नहीं है, बेईमानी नहीं है। एक लोटा जल देने के लिए लोटा नहीं है तो कपट क्या खाक लेकर आएगा, मुंह में पानी भरकर लाता है, पत्तियां तोड़कर ले आता है। देख आज मैं परीक्षा लेता हूं असली भक्त है कि नहीं, तुझे मालूम पड़ जाएगा। पेड़ के पीछे खड़ा कर दिया ब्राह्मण को, शिव जी ने लीला रची, आया पानी फेंका, प्रसाद रखा, जो भी लाया था प्रसाद में भगवान ने स्वीकार करा, मेरा भक्त है। भगवान कभी नहीं देखता कि तुमने क्या दिया, भगवान केवल यह देखता है कि तुमने दिल कितना दिया है। अगर भगवान तुम्हारा रसगुल्ला और इमरती और जलेबी और पकोड़ा देखता होता तो गरीब के घर में कभी नहीं जाता वो सबरी अंबा के यहां पर, कभी नहीं जाता वो विदुरानी के घर पर। अगर 56 भोग देखता तो उसने 56 भोग नहीं देखा, विदुर जी के घर में जाकर दिल देखा। क्या था विदुर के यहां, क्या विदुर नहीं थे घर, विदुर आया, विदुर जी की पत्नी थी। विदुर जी ने कहा था द्वारका नाथ आएंगे जरूर, पहुंच गए, 56 भोग छोड़ के उनके घर पहुंच गए। विदुरानी को मालूम था कि भगवान आएंगे तो उसने नया पलंग बनवाया था, ये लकड़ी का नहीं, ऐसी चार पाटी होती थी उसमें ऐसी रस्सियां बंधी होती थी, नया बनवाया पट्टे का पलंग, भगवान को इस पर बिठाऊंगी। देखी खटिया पलंग, रस्सी का बंधा हुआ, पट्टे का बंधा हुआ, नया पलंग रखा था उसके पास में पुराना रखा था। भगवान जैसी आई विदुरानी सुध भूल गई, भगवान से कहती है आओ बैठो मैंने तुम्हारे लिए नया पलंग बनवाया। नया तो पड़ा की पड़ा ही रह गया, पुराना वाला बिछा दिया, और पुराना भी ऐसा था उसकी रस्सी को ऊंदरा ने, चूहे ने चार पांच जगह से काट के रखा था। भगवान ने देखा कि रस्सी सब दूर से कट रही, नीचे लटक रही है, भगवान उसकी लकड़ी की जो चार पाटी थी चारों तरफ उस पर बैठ गए। विदुरानी बोले अच्छे से बैठो ना, तुम्हारे लिए नया बनवाया। भगवान बोले ऐसा नया है तो पुराना कैसा होगा, अरे अंदर खसको। भगवान कह रहे नहीं खसकू, नहीं अंदर खसको। भगवान बोले नहीं नहीं मैं नहीं खसू। विदुरानी बोली खसको तो। अब भगवान को उसका कहना मानना पड़ा, जो अंदर खसके जो आठ जगह से रस्सी कटी हुई थी सब टूट गई, भगवान अंदर भरा गए, पांव उधर भगवान इधर, रस्सी में अंदर घुसे पड़े थे। विदुरानी बोली कैसा आनंद आ रहा है। भगवान बोल रहा है ऐसा लग रहा है जैसे 100 किलो की कपास पे बैठा। विदुरानी बोली मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का लाती हूँ। भगवान बोले रहने दे मेरा तो पेट भरा है। भगवान को मालूम था बिठाया ऐसा है तो खिलाएगी कैसा, इनका कोई भरोसा है। फिर भी गई भगवान के अंदर से केले लेकर आ गई। भगवान ने कहा चलो अच्छी खुशी की बात है, कम से कम केले ही लाई, पत्थर उठा लाती थी इसका क्या भरोसा था, और बाद में कह देती रसगुल्ला खा लो। केले लाए और बैठ गई भगवान के पास में नीचे, केला छीलती जाए। भगवान के चलो इतनी अकल तो आई, कम से कम छील रही है। अब भगवान को यह थोड़ी ना मालूम था कि छिलका ही देने वाली है, और अंदर की गिरी नीचे फेंक दी, छिलका भगवान को दे दिया। लो प्रभु, भगवान ने कहा यह क्या है कि केला
तो भगवान ने पूछ लिया जो नीचे पटका वो क्या है, तो क्या छिलका। भगवान बोले तुम्हारे यहां ऐसे खाते हैं। विदुरायन बोली तो तुम्हारे यहां क्या छिलका खाते हैं। भगवान बोले नहीं हमारे यहां भी ऐसे ही खाते हैं। दे दे ऐसी छीलती जाए, छिलका भगवान को देती जाए, गोदी में रखती जाए। और क्या कह रही, ये तो विदुर जी लाए थे ना 12 केले वो है, और 2 दर्जन मैं भी ला के रखी हूँ, वो भी तुम्हें ही खाना। इतने में भगवान ने पूछ लिया मैं सब खा जाऊंगा तो तुम दोनों क्या खाओगे। इतने में विदुरायन बोली जो नीचे पड़ा है वो हम खा जाएंगे। भगवान समझ रहे गजब कितनी चतुर है ये भगवान। अब विदुर जी आए और विदुर जी ने गिरी दी। भगवान के जो गिरी में स्वाद नहीं आ सकता जो छिलके में आया है। भगवान अमीर और गरीब नहीं देखता, दिल देखकर पहुंच जाता है। वो मेरा देव अधिदेव महादेव, वो मेरा शिव, मेरा राम, मेरा कृष्ण है जो पहुंचता है। दुर्योधन के मेवा त्यागे साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम। भगवान ने करुजा जरा कड़प को देखा। भगवान ने क्या करा, उसने पूजन करी, जाने लगा, शिवजी को देखा, पिंजरे में बंद थे, पिंजरे की एक तान टूट गई, टूटकर शिवलिंग पर लग गई, शिवलिंग में से रक्त निकलने लगा। कड़प को लगा भगवान की आंख टूट गई, उसमें से रक्त निकल रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, निकालकर शिवलिंग पर लगा दी। ब्राह्मण देखता रहा, गजब गजब। शिवजी प्रकट हो गए, कड़प तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न, तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न। कड़प मांग तुझे क्या चाहिए। शिवजी ने जब कहा तो कड़प ने कहा मुझे बस इतना दे दो, जिसको कुछ भी नहीं आए तो भी आपका दर्शन उसको इससे ही मिल जाए, बस इतनी कृपा कर दीजिए, कुछ नहीं। 2 व्यक्ति पशुपति व्रत करते हैं। एक व्यक्ति पशुपति व्रत कर रहा है तो भगवान शंकर के विश्वास पर कर रहा है, शिव महापुराण के विश्वास पर कर रहा है, एक लोटा जल एक बेलपत्र अगर चढ़ा रहा है तो शिव के विश्वास पर, मेरे देव अधिदेव महादेव के विश्वास पर चढ़ा रहा है। और एक कोई कोई ऐसा भी होता है, क्या होगा उससे। हो सीवर वाला महाराज है, वो तो कह दिया पशुपति व्रत, क्या होगा उससे, क्या होगा उससे। और उसकी मां, उसकी मां कह रही है बेटा एक बार पशुपति व्रत कर लो, तेरा ब्याह नहीं हो रहा, तू भले सब कुछ करे पर तेरा ब्याह नहीं हो रहा। अरे मैं खुद मंदिर में हूं, मैं खुद मंदिर जाता रहता हूं, मैं खुद मंदिर में ही रहता हूं, बहुत लोग आते हैं व्रत व्रत करने के लिए, अब कुछ नहीं होता, फालतू की बात। उसकी माँ कह रही है अब एक व्यक्ति कर रहा है उसका विश्वास है और एक व्यक्ति कर रहा है उसका विश्वास नहीं है। अब विश्वास नहीं है और उसके बाद भी अगर वो व्रत करे और भगवान से कहे भगवान मेरा काम कर दो तो भगवान करे। तुम पहले विश्वास लेकर गए कि साहब हमारा पहचान वाला अहमदाबाद में रहता है और हम उसके यहाँ जाएंगे पत्रिका देंगे, तो हमारा विश्वास कहता है कि अगर हमने पत्रिका पहुंचाई और हम खुद देकर आए तो वो आएगा। अब वो अहमदाबाद गया पत्रिका दी, सूरत गया पत्रिका दी, और उसका विश्वास था कि मैं हाथ में देकर आया हूं वो आएगा, विश्वास था तो वो अहमदाबाद से सूरत से आया। बोलो आया कि नहीं आया, आया। और अगर विश्वास नहीं है साहब अपन ने तो उनके हाथ पहुंचा दी थी, आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, अब इन्हें तो पहले से ये सोच लिया था आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, तो उन्हें भी यही सोच लिया था मैं काहे को जाऊं फालतू का टाइम बर्बाद करने, 2-5 हजार रुपए खर्च करूं ने जाऊं वहां, अपन कौन जा। तुमने अगर विश्वास बनाया है कि मैं गया हूं अहमदाबाद पहुंचा हूं सूरत गया हूं पत्रिक, मेरा दिल कहता है वो आएंगे जरूर तो वो आएगा, तुमने पहले से विचार कर लिया मैंने तो भेज दी थी साहब आए तो ठीक नहीं आए तो ठीक, तो ये जो तरंग है वहां तक पहुंच गई उसने भी कह दिया काहे को जब जाऊं कौन। दिल रखकर अगर गए हो पशुपति व्रत कर रहे हो, शंकर भगवान को भोग लगा रहे हो, कुछ दे रहे हो, जैसे माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को 7 वस्तुएं समर्पित करी उसमें प्रथम थी भगवान शंकर को जल, और 7वें नंबर पर थी वो रुद्राक्ष की माला जो माता पार्वती जी ने शिव जी को दी थी। एक रुद्राक्ष अगर आपके गले में पड़ा हुआ है, एक रुद्राक्ष यदि आपके गले में पड़ा हुआ है वो कभी भी काम आ सकता है। मेरा नवयुवक बेटा और बेटियों से निवेदन है कितने भी फैशन में रहो अंदर एक रुद्राक्ष अपने गले में अंदर डाल के रखो, उसको कपड़े के ऊपर लाने की भी जरूरत नहीं है, उसको तो अंदर रहना चाहिए, शरीर से अटैच होना चाहिए उसका। एक रुद्राक्ष आपके शरीर के लिए, आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए, आपके जीवन के लिए अनमोल है। केवल एक रुद्राक्ष का फल। 7 वस्तुओं में पहली वस्तु जल थी और आखिरी वस्तु
रुद्राक्ष वस्तुओं का स्मरण अपन आज कथा में भले थोड़ा सा छूट गया पर उसका स्मरण जरूर करेंगे, कल की कथा में करेंगे कि वो सात वस्तु जो माता पार्वती जी ने शिव जी को समर्पित कर उसका सुख क्या है, उसका आनंद क्या है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कहता है, माता पार्वती जी ने भगवान शिव की आराधना कर उपटन से श्री गणेश जी महाराज को प्रकट किया है। श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती जी के साथ में पधार रहे हैं। कथा बहुत विस्तार से है प्रसाद की, कल उस कथा का और आगे विस्तार करेंगे। आज की कथा को यहां पर विराम की ओर लेते हैं।